हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेड कैम क्लासेस में तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है आ, हेडिंग डलवाई थी डाई बल डाई दाइ आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसकी जो है हमने हेडिंग डलवाई थी तो इसे देखते हैं कि ये क्या काम करता है ठीक है तो चलिए भाई एक एक करके जो है सारी बातें यहाँ करते हैं अगर मैं डायवल की बात करूँ तो कभी कभी आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है डायवल एच कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है डी आई बी ए एल और इसके साथ एच लगा हुआ रहेगा या खाली आपको डाइवल भी लिखा हुआ मिल सकता है या आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है कि हाइड्रोजन एल्यूमिनियम के साथ लगा और दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप जो है इसमें लगे हुए हैं इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करूं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये डाइवल की फुल फॉर्म होती है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है कभी कभी जो है ये डाइमर की फॉर्म में भी पाया जाता है कभी कभी इसकी स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह की भी हो सकती है कि ये डायमर की फॉर्म में पाया जाता है ये हाइड्रोजन और इसके साथ लगा हुआ है एल्यूमिनियम ये हाइड्रोजन और इस तरह से जो है ये डायमर भी फॉर्म करता है इस तरह से जो है ये डाइमर भी फॉर्म करता है अगर बात करें इसकी तो बहुत ही अच्छा एक रेड्यूसिंग एजेंट है ये एक बहुत ही अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है जनरली जो है सबको जितने को भी हमारा जो है एल कर सकता था उन सभी को रेड्यूस कर सकता है बट हमें क्या ध्यान रखना है इसके पास केवल एक ही हाइड्रोजन है एल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास क्या थे चार हाइड्रोजन थे इसके पास क्या है एक ही हाइड्रोजन है अगर एक हाइड्रोजन है तो क्या होगा कि ये जो है अगर हमारा किसी वजह से आर C डबल बोन्ड ओ सी एल इसे भी रिड्यूस कर सकता है R C डबल बोन्ड ओ एच या जो है R C डबल बोन्ड ओ और जो है ओ आर और जो है R C ट्रिपल बोन्ड N इन सभी को रिड्यूस कर सकता है और इन सभी को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट करेगा एल डी हाइड में एल डी हाइड में क्यों कन्वर्ट करेगा क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्राइड है एक हाइड्राइड यहाँ जाएगा अटैक करेगा ये ऊपर ये नीचे क्लोरीन बाहर तो इन सभी को किसमें चेंज कर देगा एल डी हाइड एल्डिहाइड इन सभी को किसमें वही अगर मैं बात तो इन्हें में चेंज कर सकता है जो है जो देगा एल्हल में एल्कोहल में इन्हें जो है वो चेंज कर देगा क्लियर चलो इसके जो है आप देखिए किस तरह से रिएक्शन करता है अगर ये डाइवल है, हा, है आपका लिखा हुआ तो इसमें जो है क्या है एक हाइड्राइड है तो एक हाइड्राइड एल्यूमिनियम के पास लगा हुआ उसका अटैक कहा होगा उसका अटैक जो है इधर होगा ये जाएगा हमारा कुछ ऐसे तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर आएगी कुछ इस तरह की आएगी कि यह क्या है आपका ऑक्सीजन लगा हुआ है और ये क्या है एक ऑक्सीजन लग जाएगा इधर क्या लग जाएगा हाइड्राइड लग जाएगा ठीक है अगर आपका इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरह से तो इस तरह से जो है हमारी स्ट्रक्चर बनेगी किसकी प्रेजेंस में डायबल की प्रेजेंस में अगर इसके सेम दो अगर इक्विवेलेंट होते तो क्या होता यहां से ये यह ओपन होता है क्या बनता है एल डीड फिर उसे भी रेड्यूस कर देता बट इसका तो क्या है एक ही हमारा जो है एक ही वो दे रखा है एक ही इक्विवेलेंट दे रखा है अब देखिए ये डाइवल रिएक्शन कैसे करता है डाइसो बुटाइल एलुमिनियम हाइड्राइट की अगर बात करूं तो कैसे लगा हो रहेगा हाइड्रोजन एल और आइसोब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल यही तो स्ट्रक्चर होती है डायबल की अब यहां से क्या होगा ये आप जो देख रहे हो नाइट्रोजन के लोन पेयर इस पर अटैक कर देंगे और इसकी स्ट्रक्चर जो बनेगी कुछ इस तरह की बनेगी आर सी ट्रिपल बोन्ड N और इससे क्या लग जाएगा एल्यूमिनियम इससे लगा हुआ हाइड्रोजन और इससे जो है आइसो ग्रुप और ये भी आइसो क्लियर अब जो ये हाइड्राइड है हाइड्राइड मतलब H माइनस तो इसका बॉन्ड का अटैक होगा यहां ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से तो जो आपके सामने स्ट्रक्चर आएगी R C और इधर लग गया हाइड्रोजन डबल बॉन्ड N और इससे क्या लगा हुआ है एल आइसोब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल क्लियर फिर जो है हमने इसका ए, अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे एसिड की हाइड्रोलाइसिस होता है वर्कअप करने के लिए मतलब क्या कर रहा हूं इसका मैं वर्कअप कर रहा हूं वर्कअप इसका जो है मैं कर रहा हूं तो वर्कअप करने पे क्या होगा मैंने बताया कहीं भी सी डबल बोन एन हो अगर हम उसका हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या होगा ये बोन्ड यहां से टूट जाएगा और सी डबल बोन्डो में कन्वर्ट हो जाएगा आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे अगर इसकी रिएक्शन अगर मैं किससे कराऊं NH3 या NH2 या करा दूं तो यहां से क्या होगा यहां से जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकलता था और एन और C डबल बोन्ड के बीच में जो है क्या हो जाती थी रिएक्शन हो जाती थी सेम उसका उल्टा ही यहां हो रहा है तो इसमें क्या हुआ कि इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा आर सी एच डबल बॉन्ड ओ क्या बन गया आपका एल्डिहाइड अगर हम नाइट्राइल की रिएक्शन या साइनाइड की रिएक्शन किससे करेंगे डाइवल से करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा इस तरह से एल्डिहाइड बन जाएगा ये सारी बात यहां आपको ध्यान रखनी है अब नेक्स्ट देखिए अगर इससे इसकी रिएक्शन करा दू ये क्या है हमारा अमाइड अमाइड से रिएक्शन करा दू तो क्या होगा ये सेम यहां रिएक्शन करेगा ये जाएगा ऊपर की तरफ ये जाएगा नीचे की तरफ और यहां से बाहर हो जाएगा तो आपका क्या बनेगा आर सी डबल बोन्ड ओ एच एल्डिहाइड आपका बनेगा अब इसमें देखिए अब इसकी अगर मैं रिएक्शन करा दू दाएवल से, दाएवल है जो आपके सामने लिखा हुआ इससे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी अगर इसकी मैं रिएक्शन करा दू तो क्या होगा बताओ इसको तो कुछ नहीं कहेगा केवल किसका करेगा सीएन का करेगा और सीएन का क्या कर देगा रिडक्शन कर देगा और सीएन का रिडक्शन कर देगा तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर आएगी कैसी बनकर आएगी बहुत ही अच्छा ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट है बट इसमें क्या है कि एक ही हाइड्रोजन है एक ही हाइड्राइड है तो ये जो है हमारी स्ट्रक्चर बन के आ जाएगी और तो किसी में कुछ चेंज ही नहीं होगा होगा चलिए भाई अब अगर हम दो इक्वेलेंट से रिएक्शन करते हैं डाइवल की और जो है एस्टर से, तो फर्स्ट इक्वेलेंट क्या काम करेगा फर्स्ट इक्ट क्या काम करेगा इसे जो है किस में चेंज कर देगा एल्डिहाइड में चेंज कर देगा और सेकेंड इक्ुबेलेंट क्या काम करेगा डाइवल का डाइवल का सेकेंड इक्ट क्या काम करेगा डाइवल का सेकेंड इक्ट इसे किस में चेंज कर देगा इसे जो है एल्कोहल में चेंज कर देगा क्लियर इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है अब ये देखिए अगर इसकी दो इक्विवेलेंट है तो ध्यान रखना डाइबल जो है इस डबल बोन्ड को कुछ नहीं बोलेगा डाइबल जो है इस डबल बोन्ड को कुछ नहीं बोलेगा और कार्बेमेट को भी कुछ नहीं बोलेगा कार्बेमेट ये कार्बेमेट है बॉक्स क्या होता है आपका बीओसी क्या होता है देखिए बीओसी होता है आपका सी सी डबल बोन्ड ओ

इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ये मैं केवल बेरी एक्स ने लिखवा रहा हूँ जो हमारे एल आई एस से अलग है इसकी तो यहाँ क्या बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा तो यहाँ ओ एच और यहाँ दो हाइड्रोजन क्लियर इतना चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या है अगर दो इक्विवेलेंट ले रखे ब्यूटाइल हाइड्राइड के तो क्या काम करेगा सर फिर से सी एचओ में चेंज कर देगा क्लियर डाइवल क्लियर हुआ कैसी कैसी स्ट्रक्चर हो सकती है मैंने आपको सारी चीज बता दी देखिए डाइवल और क्या, क्या क्या काम कर सकता है रिडक्शन ऑफ एल्काइंस एल्काइंस का भी रिडक्शन कर सकता है कैसे रिडक्शन कर सकता है अगर मैं डाइवल की बात करूं क्या लगा हुआ रहता है एल्यूमिनियम और क्या लगा रहेगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप यही तो लगे हैं इसमें अब यहां होगा क्या ये क्या है आपका इस पर जो है डेल्टा पॉजिटिव क्या है मेटल है इस पर क्या है डेल्टा नेगेटिव तभी तो हाइड्राइड है अब पॉजिटिव चार्ज कहां जाके लगेगा जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से तो इनके बीच में क्या होगा इस तरह से जो है इंट्रैक्शन हो जाएगा और हमारे सामने जो कंपाउंड बन के आएगा सी फोर एच नाइन सी फोर एच नाइन और कार्बन और इधर हाइड्रोजन दोनों का सिन एडिशन हुआ है ये देखिए ध्यान से देखिए दोनों का क्या हुआ है ये वाले हाइड्रोजन का और एल्यूमिनियम का क्या हुआ है सिन एडिशन और ये आई बी यू टू आइसोब्यूटाइल ट्वाइस दोनों का क्या हुआ है सिन एडिशन हुआ है अब इसकी सेम रिएक्शन अगर आयोडीन से करा दी जाए ये आई टू दे रखा है आयोडीन से रिएक्शन करा दी जाए तो ये क्या है कार्बन और एल्यूमिनियम के बीच मतलब कार्बन और मेटल के बीच में बोन्ड है इसका मतलब कार्बन पे कैसा चार्ज है निगेटिव चार्ज तो इसका अटैक होगा कहा इधर अटैक होगा और ये यहां से टूट जाएगा मतलब एल एल ए आई बी यू की जगह क्या लग जाएगा यहाँ आयोडीन लग जाएगा तो आपका क्या स्ट्रक्चर होगी सी फोर एच नाइन आपको ध्यान क्या रखना है कि एडिशन जो हुआ है वो सिन एडिशन हुआ है एडिशन जो हुआ है वो सिन एडिशन हुआ है इतना चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट देखिए सेकेंड एग्जाम्पल सेम फिर से वही दे रखा है तो सबसे पहले क्या होगा सी एस थ्री और इधर जो है एक हाइड्रोजन लग गया आइसोब्यूटाइल का और ये जो है सी एस थ्री क्योंकि सीन एडिशन होना था तो हमने जो है ये सीन एडिशन करवा दिया सीन एडिशन ये करवा दिया क्लियर अब फिर क्या देखा सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड सी डबल बोडो सी डबल बोडो यही तो दे रखा है इस पर कैसा चार्ज होता है डेल्टा पॉजिटिव कार्बन एल्यूमिनियम के बीच में बोन्ड कार्बन पे कैसा चार्ज है निगेटिव चार्ज तो इसके बीच में जो ये अटैक हुआ है और ये चला गया ऐसे। तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनकर आई कुछ इस तरह की आई सी एस थ्री हाइड्रोजन डबल बोंड और ये जो है हमारा सी एस थ्री और यहाँ सी डबल बोंड ओ माइनस फिर क्या डाल रखा तो हाँ, तो जो जो बता रहा हूँ जो 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 लिख रहा हूँ सब नोट करते रहना क्योंकि एक को एक चीज जो है ये एग्जाम में आ चुकी है इसमें से हर जगह से क्वेश्चन आता है ठीक है तो जो मेरे लास्ट के तीन लेक्चर है गारंटी के साथ कह सकता हूं उसमें से कम से कम आठ नंबर नंबर का आएगा ये लेक्चर इससे पहले जो पढ़ा है उससे पहले कम से कम आठ नंबर का छह से आठ नंबर का तो पक्का इन तीन लेक्चर से इसलिए जो आप अच्छे से देखिए देखना जो भी मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे से सुनना अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है तो इसका जो पेपर आया था वो जैक्स में आया था जर्नल अम, जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी 1968 में जो है जैक्स में ये

ये आप जो देख रहे हो ये जो बोन्ड देख रहे हो इसका अटैक होगा यहाँ और यहां कैसा चार्ज 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 गया 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 है 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 अब तो इसकी स्ट्रक्चर कैसा होगी इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी कि ये क्या लगा हुआ रहेगा हमारा इटी और ये डबल बोन्ड ये हाइड्रोजन ये लगा हुआ है ईटी और इधर क्या लगा हमारा ये, 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 ये येलो वाला येलो वाला येलो से ही दिखा देता हूं कि ये लगा यहाँ डबल बोंड यहाँ ई और यहाँ ईटी दोनों ये भी क्या रहेंगे ये भी दोनों सिन रहेंगे ये भी दोनों सेम साइड रहेंगे ये ईटी ईटी सिस और फिर इधर जाके हमारा क्या लगेगा ये यहाँ जाके इस वाली पोजिशन पर जाके अब हमारा क्या लग रहा है देखिएगा ध्यान से क्या लगा ए इसकी आगे को रिएक्शन कुछ भी हो सकती है तो अभी तक ये एग्जाम में नहीं आया है और मैं आशा करता हूँ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जल्द जरूर ही आएगा तो ये बहुत ही आप जो है नोट करके स्टार करके इस क्वेश्चन को लिखना कैसे मैंने समझाया है क्योंकि ये जो है 1968 में आया था और अभी तक इस क्वेश्चन को दिया नहीं अब तक दे देना चाहिए कैसा हो रहा है? वही, चलते है, पप, है, अगर किसी वैसा आइसोब्यूटाइल लिथियम को अगर मैं क्या कर दू बल्कि कर दू बल्कि कैसा करें मि, मिथाइल लगा दिया अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उस केस में ध्यान रखना उस केस में जो है एंटी एडिशन होता है उस केस में क्या होता है एंटी एडिशन होता है उस केस में एंटी एडिशन होता है कि पहले जो है हमारा ये अटैक कर देगा और फिर जो है बाद में बॉन्ड बनेगा पहले की अवस्था दोनों हाइड्रोजन एल्यूमिनियम साथ लग रहे थे अब क्या होगा ये पहले इस पर जो है अटैक कर देगा और किस तरह से किस तरह से एंटी बनेगा तो एंटी जो है कुछ इस तरह से बनेगा CH3 एक तरफ हाइड्रोजन लगा देना है एक तरफ ये CH3 और एक तरफ जो है क्या लगाना है आपको Al

ट्रिपल बोन्ड की एल्काइन्स की बात करूं या एल्कीन की बात करूं तो क्या जो है एल आई एल एच फोर एल्किन और एल्काइन से रिएक्शन करता है क्या डबल बोन्ड को और ट्रिपल बोन्ड को रिड्यूस करता है तो आंसर है नहीं कि ये डबल बोन्ड और ट्रिपल बोन्ड को कभी भी अगर अकेले पड़े हुए हैं तो उन्हें रिड्यूस नहीं करता है बट अगर डबल ट्रिपल बोन्ड हमारा कुछ इस तरह से हो कि उसका एक कार्बन यहां वाले कार्बन पर ओ एच लगाओ जिसे क्या कहते हैं प्रोपार्जिल एल्कोहल प्रोपार्जलिक एल्कोहल अगर ये हाइड्रोजन लगा दो तो प्रोपार्जलिक एल्कोहल की स्ट्रक्चर है तो इसका क्या है ये इसमें मैंने हाइड्रोजन की जगह कोई आर लगा दिया मतलब डेरिवेटिव है प्रोपार्जलिक एल्कोहल अगर इस तरह की कंडीशन है तब एल आई एल एच फोर हमारा रिएक्शन करता है और रिएक्शन कैसे करता है यहां से ध्यान से देखना आर ये वहा गया हमारा कुछ इस तरह से और ये कार्बन ये डॉट से कार्बन एक बार बताइए हाइड्रोजन मिल जाए हाइड्रोजन मिल जाए हाइड्रोजन मिल जाए तुरंत लेके भाग जाते हैं क्या करते हैं हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा और हाइड्रोजन लेके भागेगा तो यहाँ क्या होगा निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज होगा और यह क्या बचा ए एल ये बचा अब इसका जो अटैक है निगेटिव चार्ज का इसका ऑक्सीजन का इससे अटैक हो जाएगा अब इससे अटैक होगा सबसे पहले क्या हुआ से एक एक स्टेप लिख या एक एक स्टेप लिखता तो हूं आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो आर ये कुछ इस तरह से था और ये जो है OH था अब इससे जो हमने रिएक्शन कराई किसकी माइनस एच एच और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन लगा हुआ है क्या होगा ये दोनों यहां से हाइड्रोजन निकल जाएंगे माइनस एच टू माइनस एच टू तो एच टू निकला तो क्या हुआ आर और ये कुछ इस तरह से और यहाँ क्या बना ओपे माइनस चार्ज ओपे जो माइनस चार्ज एच थ्री तो लग जाएगा ए एल एच थ्री और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। इतना किसका कि आर और ये जो है हमारा ये और ये जो है ओ एच इसका एक मोलिक्यूल और आया और इसका जो है एच प्लस दोबारा से निकल गया दोबारा से क्या हो माइनस एच टू फिर से एच टू निकल गया फिर से एच टू निकला तो हमारे सामने कंडीशन क्या आई हमारे सामने जो कंडीशन आएगी आर और ये कुछ इस तरह से और यहां जाएगा कि एक कार्बन और इससे ऑक्सीजन और इससे क्या लगा हुआ है एल एच टू लगा हुआ है इस तरह से कुछ कंडीशन आ जाएगी बताओ इतना क्लियर है अब यहां से क्या होगा कि एल आई एल एच फोर का हमारा एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा एल आई एल एच फोर का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा और जो ये हाइड्रोजन है हाइड्राइड है इसका अटैक अब की बार यहां होगा इसका अटैक यहां हुआ यहां कैसा चार्ज आया बताओ एच माइनस का अटैक यहां हो रहा है तो यहां कैसा चार्ज आया निगेटिव चार्ज और वो वाला निगेटिव चार्ज जो आएगा वो एल्यूमिनियम पर अटैक कर देगा क्योंकि एल्युमिनियम क्या है इलेक्ट्रॉन डिफिसियंट है तो यहां जो निगेटिव चार्ज बनेगा वो एल्यूमिनियम पर रिएक्शन कर देगा तो कंडीशन क्या होगी ध्यान से देखना ये आर हो गया ये हाइड्रोजन जो अभी लगाया है ये कार्बन और इधर जो है ये क्या है हमारा ए, ये जो है हमारा ऑक्सीजन लगा हुआ है इससे क्या लगा हुआ था

डी थ्री ओ प्लस क्या लिया है ड्यूटीरियम लिया है ताकि आप समझ सके कि सोलवेंट से हाइड्रोजन कहां लगा है और जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कहां लगा है अब ये जो है इसे क्या कर देगा यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और इसे भी क्या कर देगा यहां से भी ब्रेक कर देगा तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा इसे कहते हैं बर्कअप बर्कअप और बर्कअप में क्या करा है ड्यूटीरियम वाटर यूज करा है हमने तो बर्कअप करा तो आपके सामने क्या कंडीशन आएगी आर यहाँ डबल बोन्ड और यहाँ क्या लगेगा ये ड्यूटीरियम वाला डी यहाँ सोलवेंट का लगा है जहां एल्यूमिनियम जुड़ा हुआ सोलवेंट का लगा है ध्यान रखना इस चीज का हाइड्रोजन और ये ओ एच OH। आपका कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है जो सबसे मेन चीज है चाहे मकेनिज्म आप ध्यान रखो या मत रखो सबसे मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो आया है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आया है ये वाला जो आया है ये सोलवेंट से आया है अगर आगे को नेक्स्ट रिएक्शन आपको दू सोल्ट चेंज कर दू लिथियम तो है।, 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 तो है क्या कर रखा है, लीथियम, है।, थ्री से कर रखी है। तो मुझे पता होगा क्या हो, क्या, हो, क्या पता है कि दोनों ट्रांस में लगेंगे और जो है इधर इसकी तरफ ओ एच की तरफ जो है इधर से हाइड्रोजन आएगा एल आई एल एच ओ फोर से तो ये और यहाँ क्या आया सोलबैंड आया तो सोलबैंड का ये लिख दिया तो सी सिक्स एच फाइव

बताओ कितनी आसान रिएक्शन है अगर एक बार आपको समझ में आई हो तो बस ऐसी आप जो है तुरंत सारी रिएक्शन कर सकते हो अब ये रिएक्शन देखिए इसमें क्या दे रखा है एन बी यू एल आई इसमें निगेटिव चार्ज इसमें पॉजिटिव चार्ज कहीं भी ऐसी कंडीशन हो तो क्या होगा ये जो है बी माइनस इस एच प्लस को एक्सेप्ट करके भाग जाएगा एच प्लस को एक्सेप्ट करके भाग जाएगा है क्या बच्चा निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज और इससे जुड़ जाएगा एल आई किस तरह से जुड़ेगा यही जोड़ देता हूं डायरेक्ट इससे जो है क्या जुड़ जाएगा यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ एल आई प्लस ये हो गया अब ये आपको क्या दे रखा है ये दे रखा है सी डबल बोन्ड ओ फोर कुछ इस तरह से तो निगेटिव चार्ज का अटैक हुआ यहाँ ये गया यहाँ और फिर जो है इसका एच थ्री ओ प्लस दे रखा मतलब यहाँ वर्कअप करा रखा है एच लगने के लिए तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आया कौन सा ए वाला कुछ इस तरह से बनेगा ये है ये कार्बन और ये जो है ये कार्बन ये और इससे क्या लगा हुआ है सी और इससे जो लगा हुआ क्या है सी एच टू और इससे लग गया ओ एच क्लियर ये बन गया आपका ए अब क्या दे रखा है एल आई एल एच फोर दे रखा है और रिफ्लक्स कर रखा है अब बता दी एल आई एलच फोर दे रखा है, रिफ्लक्स कर रखा है मतलब इधर भी हाइड्रोजन लगा दू इधर भी हाइड्रोजन लगा दू क्योंकि इसमें सोल दिखा नहीं रखा दिखा नहीं रखा तो कर रखा है दोनों तरफ क्या लगा दू हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दू तो जो इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसे पूरे को आर मान लेता हूं इसे पूरे को मैं आर मान रहा हूं ठीक है तो आर और आर के साथ जुड़ा हुआ है हमारा ट्रिपल बॉन्ड कुछ इस तरह से तो ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन और यहाँ और इससे लगा हुआ OH. ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा बोलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम किसी को कोई दिक्कत वाली बात ही ना है अब ये देखिए अगर आपका जो है एल्कोहल की जगह पहले क्या लगा हुआ था ओ OH एच लगा हुआ था आपकी बार एन लगा हुआ तब भी सेम रिएक्शन होगी तब भी सेम रिएक्शन होगी एल आई का हाइड्रोजन कहाँ जाएगा इधर जाएगा इसका हाइड्रोजन कहा जाएगा इधर जाएगा तो करा दीजिए एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर बाकी जो है जो जैसा था उसे वैसा ही लिख दिया ये एन एच टू लिख दिया बाकी ये जो है ऐसे का ऐसा ही ये क्या लिख दिया एनएच टू लिख दिया ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी तो आपको समझ में आया क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोपार्जिलिक एल्कोहल को किस तरह से रेड्यूस करता है आपको ध्यान रखना है किधर हाइड्रोजन जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का लगाना है और किधर जो है हमारा किधर जो है सोलबैंड का लगाना है क्यों लगा क्योंकि यही अटैक होगा इसका इसका जो अटैक होगा यहाँ होगा तब ये खुलेगा चार्ज तब इस पर जो है वो रिएक्शन करेगा ठीक है डायवल समझ में आया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड समझ में चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका आपके सामने क्या लिखा हुआ है एम से पहले कुछ मैंने लिख रखा है ये पहले बताता हूं अच्छा कुछ रिएक्शन है तो रिएक्शन में मैं जो है बता देता हूं अब ये देखिए एल आई क्या काम करेगा अगर रिएक्टिव डबल बोन्ड आपका रिएक्टिव या एक्टिव डबल बोड है एक्टिव डबल बोन्ड जो रेजोनेंस में है किसके साथ कार्बोनिल के साथ जो रेजोनेंस में कार्बोनिल के साथ तो किस तरह से रिएक्शन करता है अगर टेम्परेचर हाई है या रूम टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा है या रूम टेम्परेचर है तो उस केस में हाई टेम्परेचर बोलेंगे उस केस में क्या काम करेगा ये इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा इस डबल बॉन्ड को भी क्या काम करेगा रिड्यूस कर देगा और यहाँ क्या बनेगा ओएच बनेगा कुछ इस तरह से बट अगर टेम्परेचर कम है एल आई एल एच फोर में टेम्परेचर कम है माइनस टेन डिग्री सी दे रखा है तो तब ये डबल बोन्ड को रेड्यूस नहीं करता है तब ये केवल इसकी से रेड्यूस करेगा इधर वाले कोई को सी डबल बोन्ड को ही रेड्यूस करेगा तो आपको ध्यान रखना एल आई एल एच फोर की हर चीज मैंने क्लियरली बता दी है क्या क्या काम करता है एल आई एल एच फोर अटैक किधर से करता है अगर साइक्लो हो किसे किसे रेड्यूस करता है क्या क्या कर सकता है और जो है अभी प्रोपार्जलिक का भी बता दिया अगर एक्टिव डबल बोन्ड है तब क्या होगा एन टू है तब भी जो है कन्वर्ट कर देगा डाइवल एनओ टू को कन्वर्ट नहीं करता

डबल बोडो एक ये बन जाएगा अब एल आई एल एच फोर क्या कर सकता है दोनों का रिडक्शन कर सकता है तो दोनों का रिडक्शन कर देगा और दोनों का रिडक्शन करके क्या बनाएगा एल्कोहल बना देगा, तो ये ये चलिए भाई ये देखिए लीथियम एल्यूमिनियम दे रखा है लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसकी प्रेजेंस में दे रखा एक है हाँ ठीक है तो क्या करेगा को तो कर देगा और हमें टेम्परेचर नहीं दे रखा अगर टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो हमें क्या ले, क्या मानना है इसे रूम ही मानना है है रूम रूम पे ये जो एक्टिव है, इसे क्या कर देगा इसे भी रिड्यूस कर देगा तो इसे रिड्यूस कर देगा तो हमारे सामने जो कंडीशन आएगी कुछ इस तरह की आएगी क्या कर देगा इसे एनएच में कन्वर्ट कर देगा क्लियर चलिए भाई अब ये देखिए डायवल डाइवल दे रखा है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने तो डायबल का एक भी नहीं पढ़ा है कि इसे रेड्यूस करेगा डाइवल इसे रेड्यूस नहीं करेगा अगर डबल है है तो है, तो कर सकता क्या काम करेगा अपना सिंपल एक हाइड्रोजन है हाइड्रोजन लेकर आएगा ये यहाँ जाएगा ये यहां जाएगा, हाँ जाएगा और ये बाहर क्या बन जाएगा डायबल का तो एक ही काम है एल्डिहाइड बनाना अगर एल्डिहाइड और कीटोन है तो क्या बना देता उनका भूत बना देता एल्कोहल बना देता ठीक है इतनी बात क्लियर हुई चलिए ये सबसे मस्त चीज अब पढ़ा रहा हूं आपको सबसे मस्त चीज पढ़ा रहा हूं थोड़ा देखने में भारी लग सकता है बट इसके बारे में मैं कहानी सुनाऊंगा बहुत बढ़िया देखिए क्या है सोडियम बिस टू मिथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत बड़ा सा नाम लग रहा है सोडियम बिस टू मिथोक्सीथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप कहोगे सर हमने तो ये कभी नहीं नाम नहीं सुना बट नहीं सुना बट ये तो सुना होगा रेड एल रेड ए एल रेड का मतलब है रिडक्शन से होता है आर ई डी एल ये नाम तो सुना होगा कई जगह लिखा हुआ भी दे रखा होगा कि रेड एल इसके ऊपर लिखा है और उसमें कुछ रिएक्शन हो रही है तो रेड एल क्या होता है तो इसे शॉर्टकट में कहते हैं एस एस एम एम ई ई एच एच कहेंगे कहेंगे या रेड एल कहेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सोडियम टू विस्तुथी एल्यूमिनियम हाइड्राइड और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है इसकी स्ट्रक्चर जो होती है कुछ इस तरह की होती है कभी कभी आपको इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से भी देखने को मिल सकती है कि जो है यहाँ क्या यहाँ माइनस और ये क्या दे रखा है ये ऑक्सीजन और बीच में कितने कार्बन है ये ये और ये ऑक्सीजन कुछ ये इस तरह से भी इसकी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकती है और ये क्या दे रखा है एन प्लस है और इसके साथ क्या करेंगे ये इंटरेक्शन कुछ ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकती है ऐसा मिल सकती है और ज्यादातर नब्बे केस में तो आपको यही लिखा हुआ मिलेगा रेड एल्यूमिनियम अब ये रिएक्शन कैसे करता है अब देखिए इसकी जो रिएक्शन है सारी की सारी सेम है सेम एज एल एच लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह सारी रिएक्शन सेम है बट नोट पायरोफोरिक नॉट पायरोफोरिक पायरोफोरिक मीन्स क्या है कि हवा में आते ही इसमें आग नहीं लगती अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट को अगर एयर के टच में आप ले आओ तो उसमें क्या लग जाएगी आग लग जाएगी क्योंकि उसकी हाइड्रोजन क्या होती है बहुत रिएक्टिव होती है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है बट इसमें ऐसा नहीं होगा ये क्या है स्टेबल है इसमें जल्दी से ऐसा आग नहीं लगेगी बाकी से सारी प्रॉपर्टी सेम है एक दो इसकी रिएक्शन लिखवा देता हूं जो अलग है देखिए इसकी रिएक्शन जाइलिन की प्रेजेंस में इससे करा दी ओ बी एन ये क्या है, क्या होता है? ग्रुप जो है है ये होता है, मैंने कल भी आपको बताया था बेनजा ग्रुप तो क्या होगा ये इनके बीच का बोन तोड़ देगा और इसे ओ एच में कन्वर्ट कर देगा सिंपल क्या काम करेगा इसे ओ एच में कन्वर्ट कर देगा ओ एच ओ एम बाकी ऐसे का है सही नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जैसा आपके सामने ये रिएक्शन है ये रिएक्शन है तो इसमें क्या काम करेगा ये कि ये जो आप देख रहे हो ये ये जो आप देख रहे हो डबल बोन तो होगा क्या ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा और क्या होगा इसके सामने जो कंडीशन आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी कि ये जो है इधर चला गया 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 तो ये बन गया हमारा OH, ये बन बन हमारा डबल बोन्ड ये बन गया ये और ये जो है चला गया इधर नाइट्रोजन और ये R1 और R2 क्या काम करेगा केवल इसे रिड्यूस करेगा इस वाले डबल बोन को C डबल बोन एनके को तो को करेगा ये इसकी कुछ रिएक्शन है लिखना चाहो तो लिख लो नहीं तो फिर तो जो है आपको सेम समझना इसे किसकी तरह है? सारी रिएक्शन करा देना किसकी तरह है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह जो है इसकी सारी रिएक्शन करा देना ये कुछ अलग रिएक्शन थी ये मैंने दिखाई अब देखिए ये ये रिएक्शन रेड ए एल डाल रखा है रेड ए एल तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बोन्ड तो तोड़ेगा नहीं इसे लिथियम, क्या काम करता सी एस थ्री सी एस थ्री में कन्वर्ट कर देता सेम ये भी काम करेगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बोन्ड नहीं तोड़ा और क्या काम करा यहाँ ओ OH एच लगा हुआ है इसे क्या करा सी एस थ्री में कन्वर्ट कर दिया ऐसा सी एस थ्री में कन्वर्ट कर दिया क्लियर इतना तो ये जो ये जो रिएजेंट था रेड ए एल ये भी आज आपको ध्यान रहेगा क्या होता है सेम रिएक्शन है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नेक्स्ट देखिए एम पी बी मारबिन पॉन्ड्रॉफ वार्गले रडक्शन ये भी देख लीजिए एम पी बी इसके भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है बट बहुत कम रिडक्शन ओनली एल्डीहाइड एंड कीटोन केबल एल्डीहाइड और कीटोन का ही रिडक्शन करेगा और किसी का रिडक्शन नहीं करेगा कैसे रिडक्शन करता है देखिए इसका जो ये हाइड्रोजन आप देख रहे हो इसका अटैक होता है इधर ये बोन्ड टूट जाता है कुछ ऐसा और ये वाला जो बोन्ड है ये भी टूट जाता है कुछ ऐसा इसके बीच का भी बोन्ड कुछ ऐसा टूट जाएगा ठीक है तो इनका जो है कुछ इस तरह से ये होता है कि इनके बीच का बॉन्ड कुछ ऐसा टूट जाएगा ये वाला बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा अब इसकी अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं देखिए कैसे कि ये वाला बॉन्ड हमारा क्या हो रहा है टूट रहा है यहाँ क्या है हमारा सी एच थ्री है यहाँ क्या हमारा सी एच थ्री है और क्या हो रहा है इसमें कि यहाँ जो है एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बन रहा है ये हाइड्रोजन जो है इधर अटैक कर रहा है ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन किसका हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन लगा हुआ है इधर लगा हुआ है इससे लगा हुआ एक ये किससे लगा हुआ ये ऑक्सीजन से लगा हुआ है और जो है यहां क्या हो रहा है डबल बोन्ड फॉर्म हो रहा है ये अल्यूमिनियम से लगा हुआ है ये बोन्ड क्या हो रहा है ये टूट रहा है ये किससे लगा हुआ है एल्यूमिनियम से लगा हुआ है और ये बोन्ड क्या हो रहा है एल्युमिनियम से टूट रहा है देखो यही दिखा रहा हूं इसका सेम क्या कर रहा हूं मैं कि जैसे सिंपल इसकी जो है स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह की हो सकती है और इसका जो है बॉन्ड एल्यूमिनियम से ये इंट्रैक्शन करेगा देखना कितने मेंबर रिंग बन रही है कितने मेंबर रिंग आपकी बन रही है एक दो तीन चार पांच छह सिक्स मेंबर रिंग आपकी बन रही है क्या ट्रांजिशन स्टेट ये ट्रांजिशन स्टेट मैंने आपको दिखाई है अगर आपको लिखना हो तो नहीं तो सिंपल क्या होगा ये हाइड्रोजन इधर अटैक करेगा ये बोन्ड ऐसे टूट जाएगा तो हमारा जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा कि इसका तो क्या बन जाएगा इसका बन जाएगा हमारा सी एच थ्री सी ओ एच हाइड्रोजन सी एच थ्री इसका तो ये बन जाएगा और वो जो टूटा वो क्या हो रहा है यहां डबल बोन्ड आ गया और ये सी CH3 थ्री सी थ्री है तो उसका क्या बनेगा उसका सी डबल बोन्ड ओ और ये रिडक्शन और जो है ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहा है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ, साथ हो रहा है क्या रिएक्शन कहते हैं डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं अब इसमें देखिए एन टू -no से तो कुछ काम इसका है नहीं क्या काम करेगा इसे रेड्यूस कर देगा MPB हमने दे दिया तो केवल इसे रेड्यूस कर देगा तो सी एच टू ओ एच और -no देखिए एमपीवी दे दिया तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं क्या काम करेगा केवल ये रिडक्शन का, का काम करता है एल्डिहाइड और कीटोन को बड़ा सीधा साधा सा है ये MPB. क्या काम करेगा केवल रिडक्शन का, का काम करता है वो भी इसका अब इसमें एमपीवी दे दिया एमपीवी री एजेंट जो है हमने इसमें ला दिया तो क्या काम करेगा कहा चला गया हमारा अगर इसमें मैं MPB की रिएक्शन करा दू, तो क्या इस बॉन्ड को कुछ नहीं ये सिंपल सीधा है, और इसे किसी से कोई मतलब नहीं है तो इसे रेड्यूस कर देगा बोलिए इतनी चीज क्लियर समझ में जो जो तक बताया जो जो अभी तक बताया क्लियर समझ में आया आपको एमपीबी समझ में आया रेड एल्यूमिनियम समझ में आया डायबल समझ में आया और उसके उससे पहले मैंने क्या बताया था आपको <coughs> कि से पहले जो है लिथियम हाइड्राइड वो तो मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ने था क्रैम्स क्रैम्स एंटी -क्रेम्स, ये चीज जो है डिस्कस हो चुकी है ये भी समझ में आ गई होंगी इसकी सारी रिएक्शन है एमपीवी की और मैंने जो है रिएक्शन ये आपको बता दी है चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है हमारा हाइड्राइड ऑफ बोरॉन्स बोरोन्स के हाइड्राइड के बारे में हमें पढ़ना है कि बोरोन्स के हाइड्राइड अब बोरोन्स के हाइड्राइड में हमें कौन कौन से रिएजेंट पढ़ने हैं सारे सारे मैंने यहां लिख रखे हैं सी एल थ्री से लूचे रियजेंट कहते हैं लूचे रियजेंट कहते हैं बहुत सेलेक्टिव रिडक्शन करता है ये हमारा बी एच थ्री जो डाइमर की फॉर्म में रहता है बी टू एच सिक्स की ये कैसे रिएक्शन करता है एल आई बी एच फोर किस तरह से रिएक्शन करता है फिर ये सब किस तरह से रिएक्शन करते हैं

एन फोर शुरू करते हैं अगर एन फोर की बात करूं तो इसकी जो खोज हुई थी डिस्कवरी हुई थी 1949 में जो है एन फोर हमें मिला था जिसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड इसमें जो सोलवेंट यूज करते हैं वो एल्कोहल और वाटर करते हैं जबकि एल फोर में कौन से सोलवेंट यूज करते थे जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन ना हो पोलर प्रोटिक ना हो जो. ठीक है इसमें पोलर प्रोटिक करते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है बहुत माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट है ये एन बी एच फोर माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट है और इसकी स्ट्रक्चर जो है आपके सामने ये लिखी हुई है एन b प्लस बी माइनस एच 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 फोर ये इसकी सिंपल स्ट्रक्चर लिखी हुई है और बहुत माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट है इसका 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 मतलब क्लोराइड और जो है हमारा एल्डिहाइड सॉरी कीटोन एल्डिहाइड और ये डाईमाइड इसकी जो है इमाइड इमाइड की जो है इन से ही केवल रिएक्शन करता है ये इनसे ही रिएक्शन करता है केवल इनसे ही रिएक्शन ये करेगा कौन एनएबीएच4 चाहे हमारा जो इस तरह से कुछ हो अमाइड हो चाहे हमारा एस्टर हो चाहे हमारा अल्कोहल हो चाहे निगेटिव चार्ज आए सी ट्रिपल बॉन्डन चाहे हमारा साइक्लोप्रोपाईल रिंग और सॉरी चा, सॉरी चा, चाहे हमारा जो है इस तरह से एपॉक्साइड रिंग हो. इनसे किसी से भी ये रिएक्शन नहीं करता है और ये देखो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है कम होती है क्योंकि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे दे इसकी जो कमी थी जो डेल्टा पॉजिटिव था वो अब इतना नहीं रहा क्योंकि नाइट्रोजन ने क्या कर दिया अपने लोन पेड़ दे दिए तो ये कम रिएक्टिव होते हैं अब ये कम रिएक्टिव होते हैं और वो पहले से माइल्ड माइल्ड मतलब बहुत बेकार वाला रिड्यूसिंग एजेंट तो क्या ही ना कर देगा तो इन्हें रिड्यूस ये नहीं करता है केवल इन्हें ही नहीं ये रिड्यूस करता है क्लियर इतनी बात मैकेनिज्म आपको दिखाता हूं किस तरह से रिएक्शन करता है तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ये सपोज करो तो हमारा एन ए बी एच फोर तो बी माइनस एच, एच 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 और ये एच क्या होगा ये इसका अटैक होगा यहां और ये चला जाएगा यहाँ तो आपके सामने क्या कंडीशन आएगी आर सी और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन किससे लग जाएगा बोरोन से से फिर सा लग जाएगा माइनस क्लियर बड़ी सीधी सी रिएक्शन है इसकी फिर क्या होगा इसमें जो है हम क्या डाल रहे थे कि कोई भी एच टू वो वाटर डाल रहे थे या एल्कोहल डाल रहे थे क्या होगा ये बोन यहां से टूट जाएगा और बोन टूट जाएगा तो मतलब क्या होगा यहाँ ये बोन टूटा तो क्या होगा आर सी एच एच और यहाँ लग जाएगा ओ एच और यहां से निकल जाएगा अपना क्या कि बी और उसके साथ ओ OH लग जाएगा एच थ्री क्लियर अब ये देखिए रिएक्शन इसकी कुछ बताता हूं ये फर्स्ट वाली जो आपके सामने लिखी हुई है इसे रिड्यूस कर देगा जी हाँ कर देगा इसे रिड्यूस करेगा नहीं तो इसकी जो रिएक्शन क्या होगी जिसे रिड्यूस कर सकता है उसे करा दीजिए जिसे नहीं कराना उसकी तो कोई बात ही नहीं होगा सी डबल बोन्ड ओ और ये हो गया हमारा ओ आर क्लियर अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है आपके सामने इस तरह की ये ये है है तो तो इसका ही तो रिडक्शन कराना है और मैंने बताया इस तरह की स्ट्रक्चर हो तो आपको किस में कन्वर्ट कर लेना उसे इस तरह की स्ट्रक्चर हो तो आपको जो है डेकेन टाइप स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट कर लेनी है चेयर फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर लेनी है ये स्ट्रक्चर है आपकी अब देखिए कहां से अटैक होगा इधर से ऊपर की तरफ से अटैक होगा इधर से नीचे की तरफ से अटैक होगा तो देखिएगा इसे ध्यान से कि इसमें ऊपर की तरफ तो चलो ये भी लगे हुए हैं इधर साइड से तो अटैक क्यों होगा इधर से तो अटैक हो सकता है क्योंकि अगर इस पोजीशन और इस पोजीशन पर सी एच थ्री एच थ्री नहीं लगे हुए तो इजीली से जो है हाइड्राइट का अटैक हो सकता है तो यहां से नीचे से हाइड्राइट का अटैक होगा और नीचे से हाइड्राइट का अटैक होगा तो आपके सामने कंडीशन क्या आएगी कि, कि ओ एच ये बन गया हाइड्राइड हमारा ये आ गया ये ऐसे का ऐसा ये हमारा सी एच थ्री और ये हमारा हाइड्रोजन प्रोडक्ट बन जाएगा क्योंकि इसमें भी कहां इसे हुई को अबोव दी प्लेन मुझे लिखना है अब इसमें भी क्या करा एन ए बी एच फोर और ये जो है इसका बर्कअप करने के लिए हमने क्या डाल दिया कि सोलबैंड डाल दिया सोलबैंड मतलब इसे जो है डिजोल्व भी करेगा मतलब सोलबैंड तो यूज ही करेंगे अब मुझे बताइए अटैक कहां से होगा एच माइनस का अटैक कहां से होगा मैंने बताई थी अगर यहां कुछ नहीं लगा हुआ है तो अटैक ऊपर से होगा और यहां कोई भी, कुछ भी लगा हुआ है तो हमेशा अटैक नीचे से होगा तो अटैक कहां से होगा इसका ऊपर की अब ये रिएक्शन देखिए बी एच फोर दे रखे एमडोफ्रोन रूम टेम्परेचर पर तीस मिनट तक रिएक्शन करा रहे हैं ये फिर से क्या है कार्बेमेट कार्बेमेट है ये एन सी डबल बोन ओ ओ ये इसकी स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर और एन जो है ये जुड़ा हुआ है ठीक है बोक की स्ट्रक्चर मैंने दिखाई है आपको क्या काम करता है एन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है तो ये क्या है एक तरह से कार्बेमेट है ये क्या है कार्बेमेट तो इससे तो रिएक्शन करेगा नहीं केवल किससे रिएक्शन करेगा इससे रिएक्शन करेगा इससे ही जो है रिएक्शन आपको करा देना बहुत ईजी है इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं ये ओ एच बताओ इसमें कुछ भारी लग रहा है आपको इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है बस आपको थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है जो जो बता रहा हूं और सारे क्वेश्चन रियजेंट कैसी होते हुए हो, चले जाएंगे अब ये देखिए एन ए बी एच फोर से रिएक्शन कराइए की उपस्थिति में एन एच फोर सी एल जो हमने डाल रखा है कैसे रिएक्शन होगी अब ये देखना ये बॉन्ड क्या है अबोबदी प्लेन ये बॉन्ड क्या है अबोबदी प्लेन मतलब स्ट्रक्चर कैसी है इसकी स्ट्रक्चर इस कुछ इस तरह से है कि दो फाइव मेंबर रिंग एक फाइव मेंबर रिंग ये है एक फाइव है, है दोनों कैसे हुई है, है. ये, ये है, है. अटैक होने की संभावना कहां से ज्यादा है, है? किधर से जो है जगह है अटैक करने की ये लगे हुए किधर से अटैक है ऊपर से अटैक हो सकता है नीचे तो कैसे ये झुके हुए हैं ऐसे ये ऐसे झुके हुए हैं तो क्यों अटैक होगा है? ऐसे हैं तो क्यों अटैक होगा तो अटैक कहां से होगा किसी भी चीज का ऊपर की तरफ से अगर दो फाइव मेंबर सो बुक कहते हैं तो अटैक कहां होगा क्या लिखना है किसका अटैक करा देना है और जो है हाइड्रोजन जो, जो है वो आपको अब वो दी लिख देना है क्लियर है इतना चलिए ये रिएक्शन देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा पीओ सी एल थ्री की रिएक्शन जो है इससे कुछ इस प्रकार से होगी कि ये जो है यहां नाइट्रोजन और जो है ये जाएगा है यहाँ पर ओ जाएगा ओ पे निगेटिव और पी डबल CL CL इस निगेटिव चार्ज का अटैक यहां होगा ये जाएगा ऐसा ये गया ऐसा और यहां से क्या हुआ सी एल बाहर हुआ यहां से एक CL बाहर हो जाएगा टोटल बात है ये क्या होगा यहां से एक CL बाहर हो जाएगा ये CL CL बाहर होगा यहां से तो कंडीशन क्या आएगी हमारे सामने कि नाइट्रोजन डबल बोन्ड ओ किससे जुड़ा हुआ पी से जुड़ा हुआ है डबल बोन्ड ओ सी एल और सीएल ठीक अब क्या होगा कि ये कुछ इस तरह से और ये जो है सीएल अब यहां से क्या होगा कि ये बोन्ड भी यहां से टूट जाता है इससे रिएक्शन करने पे ये बोन्ड भी यहां से टूट जाता है और इसकी जगह क्या लग जाएगा सीएल लग जाएगा इसकी जगह सीएल लग जाएगा और इसकी जगह अगर सीएल लग जाएगा तो स्ट्रक्चर क्या होगी देखना एक बार इसका मैकेनिज्म एक बार देख लेना हो स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ये सी एल कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी ये सी एल ये स्ट्रक्चर होगी फिर क्या होगा मैंने बताया था इस इस तरह की स्ट्रक्चर को क्या काम करेगा रिड्यूस तो कर ही देता है एनएबीएच फोर तो क्या काम करेगा इसे रिड्यूस कर देगा और रेड्यूस कर देगा तो क्या होगा आपके सामने जो स्ट्रक्चर आएगी नाइट्रोजन

सोडियम एन ए बी एच थ्री सी एन सोडियम एन एन ए बी एच थ्री सी एन और ये किस प्रकार से रिएक्शन करता है ये मैं आपको जो है लिखवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जितनी भी चीज करा रहा हूं एकदम नोट करके लिख लेना अब आज के बाद एक तो देखो आपका क्या गलत नहीं होना चाहिए डायवल का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एन ए बी एच फोर का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ठीक है क्रैम्स मॉडल गलत नहीं होना चाहिए एंटी क्रैम्स गलत नहीं होना चाहिए और एन ए बी एच फोर गलत नहीं होना चाहिए आपका और जो है इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग किधर से होगी ये आपको पता होना चाहिए कार्बोनिल किधर से एल आई एल एच फोर अटैक करेगा ये पता होना चाहिए दूसरा रेड एल क्या होता है ये आपको पता चल गया एम पी बी क्या होता है ये आपको पता चल गया ठीक है तो ये सारी बातें थी कुछ जो मैंने आपको बता दी तो इस लेक्चर के लिए इतना ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद